तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, अभी ना शाम के 4:30 हो रहे हैं और जस्ट अभी मैं छत पर आया हूँ। पर आज आपका भाई बिल्कुल फ्री है, ठीक है। आज सुबह से मतलब फ्री बैठा था, आज कोई काम नहीं था, तो इसलिए भाई नहा धो के एकदम बढ़िया मैं आज टाइम पर आ चुका हूँ छत पर। बाकी छत पर अभी उतना ही बुरा हाल है और कचरा पचरा फुल हो रखा अभी भी, क्योंकि अभी सफाई चल रही है नीचे और अभी एक फ्लोर बाकी है। सबसे जो नीचे ग्राउंड फ्लोर होता है ना, वो अभी बाकी है, क्योंकि इसमें ना थोड़ा काम हुआ है अभी प्लस्टर व्लस्टर का, तो इसलिए अभी सूखने में टाइम लग रहा है। वैसे ही पेंट नहीं हुआ, बिकॉज आज जो है आप सब भाइयों को एक खुशखबरी देनी है, जो कि मेरे हिसाब से आपने रंजन के चैनल पर भी देख ली होगी। बट मैंने सोचा कि हमारे भाई भी कुछ अलग हैं जो रंजन को नहीं जानते, या फिर जानते भी होंगे तो कोई नहीं, बट हम अपने भाइयों को भी तो बताएंगे ना खुशखबरी। तो इस सीजन भाई रंजन ने ना 4 कबूतर पकड़े हैं अपने बाबू भाई के, मतलब सैदी भाई के, तो लड़ाइयों में ही पकड़े हैं। तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं भाई उनके बारे में, कैसे पकड़े या कैसे नहीं पकड़े, क्योंकि मैं था भी नहीं उस टाइम पे, और रंजन था और तांची था। बाकी जो भी हुआ होगा बाकी आप उसके वीडियो में देख लेना, उसने वीडियो डाली है। फिलहाल तो मैंने सोचा कि आज आप भाइयों को उनका शौक कराऊंगा और दिखाऊंगा कि ये कैसे कैसे कबूतर पकड़े हैं चारों, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है भाई रंजन सुबह उनको दाना भी देता होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो बेचारे भूखे ही रहते होंगे। और पर बंदे वैसे ही हैं तो उनको खोलेंगे आज बार, क्योंकि अपने कबूतर के साथ घुल मिल करेंगे ना, तो दाना वाना खाएंगे मस्त। और आज जो उनको ना इसमें बंद नहीं करेंगे, आज इस वाले लॉफ्ट में बंद करेंगे, क्योंकि अपने सैदी भाई के कबूतर आज से इसी में रहेंगे। बिकॉज ये लॉफ्ट ना खाली हो चुका है, पता नहीं क्यों रंजन ने ना नर्मादिन अलग जो कर रखे थे ना, वो एक में ही कर दिए हैं वापसी। तो अब मुझे ये रीज़न तो नहीं पता कि किए हैं, बट कर दिया उसने। मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा था कि इसमें कबूतर रह नहीं रहे हैं और ये खाली पड़ा था, तो बेचारे वो परमंदे को रोज़ निकालो रोज़ बंद करो, इससे अच्छा तो इसमें ही रहेंगे और उसमें के कुछ कबूतर जो है इसमें रख देंगे, मतलब थोड़े बहुत कबूतर इसमें रहेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा ही हो रहे हैं कबूतर, और जब जाल खाली है तो इसी में कर देंगे। उससे पहले भाई कबूतर को देते हैं खोल, क्योंकि कबूतर हो रहे हैं बेताब बाहर आने के लिए। और आज का मौसम भी चेक करो गाइस कैसे, मतलब आज ना धूप निकली नहीं है ना के बराबर ही हुई है, और ऐसी सूरज निकल रहा है भाई, बादलों में छुपा पड़ा है सूरज, ठीक है, क्योंकि ठंड जो है भाई आ चुकी है। और अपने भाई को भी देख सकते हो गाइस कैसे मैंने आज ठंडों वाले कपड़े पहन रखे, मतलब मोटी सी शर्ट पहन ली मैंने आज, क्योंकि भाई मुझे ना आज ठंड सी लग रही थी, और इस वजह से मैंने सोचा कि अब तो निकालना ही है, तो आज पहन ली मैंने। चलो फटाफट से कबूतर खोलते हैं, क्योंकि नया पानी रख कर ही खोलता हूँ, क्योंकि इनको प्यास लगी रहती है, बच्चों को चुग्गा देते हैं और इस वजह से, तो पहले पानी रख देते हैं फिर कबूतर को देते हैं खोल। तो गाइस पानी भी मैंने रख दिया है, तो चलो इनको देते हैं खोल भाई। और आज ना भाई एक सीन भी हो गया भाई रंजन की गलती से, आपको बताऊँगा, बड़ा मुझे खुंदा खाई भाई जब मैं छत पर आया ना, अब कल से भाई मुझे लग रहा है इसमें ताला लगा के रखना पड़ेगा मुझे अपनी पेटी में। अपनी एक कबूतरी की हालत दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत बुरी हालत हो गई है इसकी, आप एक साइड की आँख देख सकते हो ये कैसी हो गई है। जब भाई मैं छत पर आया ना, मतलब दोपहर में मैं एक बार छत पर जरूर आता हूँ 12-1 बजे के करीब में पानी देने के लिए, तो इस साइड से इस कबूतरी को देख लो बिल्कुल सही है, और इधर से देख लो इसकी आँख। मतलब गाइस रंजन ने इतनी बड़ी गलती करी है ना भाई, मैं जब आया ना मैं पहचान तक नहीं पाया इस कबूतरी की भाई मेरी कबूतरी है, और भाई बिल्कुल भाई बदन से हल्की हो चुकी है बेचारी, पता नहीं क्या हो गया इसको। बच्चे पाल रही है, इसके भी भाई 2 बेबी निकले हुए हैं, तो बच्चे पाल रही है, ऊपर से भाई लड़ाई हो गई भाई इस वाली कबूतरी से। इस 55 कबूतरी को ना रंजन ने गलती से पता नहीं कैसे इसमें बंद करके चला गया वो, और ये कबूतरी में इसी में थी, और इसका जो नर है ना भाई वो नीचे वाले में बंद करके चला गया, मतलब उल्टा करके चला गया, तो इस वजह से इसने खूब मारा भाई उस कबूतरी को। इसके तो कुछ नहीं हुआ भाई, इसने भाई पर खूब मारा उसको, बहुत ज़्यादा भूत बना दिया उसका भाई, आपने आँख देखी ना उसकी कितनी बुरी हालत में, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुन्नक है। कर तो कुछ नहीं सकते, बट मैं उसी टाइम भाई तुरंत गया पहले मेडिकल पे, और इसके लिए दवाई लेकर आया, और दवाई दी मैंने आँख की, क्योंकि आँख ख़राब ना हो इसकी भाई, सबसे मेन तो इसकी आँख ही है, तो इसलिए मैं दवाई ला के इसको दे गया। वो जो सूजन है ना भाई वो ठीक हो जाएगी 1-2 दिन में, क्योंकि वो मारा है बहुत तो इस वजह से सूज गई है। चलो इनको भी देते हैं खोला, आओ 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 आओ। लो भाई अपने सारे कबूतर बाहर आ गए हैं मस्त, और अपने सारे ही बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, और वो जंगली कबूतर देखो भाई अभी भी आएगा, तो ये जब तक रहेगा भाई जब तक रखेंगे। एक तो मेन तो ये है ना भाई, ये ठीक ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी बाजू पे ना भाई गांठ बन रखी है बहुत बड़ी, तो इस वजह से बाजू एंड है, तो इसलिए उड़ नहीं सकती। लकवा बकवा होता तो भाई अभी तक सही हो जाता, उड़ भी क्या होता। उनको भी बाहर निकाल ही देते हैं भाई, पहले चाबी से ताला खोलूं उनको निकाल देता हूं पहले। गाइस मैं आ गया हूं जाल में रंजन के गोले कबूतर, यही भाई अपने शेर हैं जो कि लड़ रहे हैं इस सीजन बाबू भाई से, मतलब अपने सैदी भाई से। तो एक ये कबूतर पकड़ा भाई लाल चोटीदार, जो कि आप देख सकते हो जला हुआ लाल है पूरा, ठीक है भाई। और उनकी भाई ये निशानी है भाई पिंक छल्ले, आपने देखी हो शायद, आप वीडियो भी देखते हो उन भाइयों की। तो एक ये कबूतर है भाई, और एक ये कबूतर है लाल सा ये भी, ठीक है भाई। और एक वो कबूतर है ये कोने में बैठा हुआ है, और एक ये हरे बानू वाला। तो ये तीन जो है भाई, ये एक पिंक पिंक से छल्ले के है ना भाई, ये तीनों मादिने हैं,
और ये जो है भाई पक्का नर है, तभी इसके हरे छल्ले डले हुए हैं और मुझे जहाँ तक की पता है बिल्कुल हमारे सेम ही भाई छल्ले देख सकते हैं ये, बट अपने नीले हैं बीच में और इसके काले हैं, इसके नीले हैं लेकिन पिंक वाले के, तो फर्क दोनों में कमी है मगर है सेम ही छल्ले बिल्कुल। बाकी इनको देते हैं खोल और कमेंट में बताना भाई इस सीजन के कबूतर आपको कैसे लगे। इससे ही पहले मारे हैं भाई शायद एक या दो कबूतर इससे पहले ही पकड़े थे, एक काबली कबूतरी पकड़ी थी आपको दिखाई थी मैंने रंग लगी, और इससे पहले एक पीला कबूतर पकड़ा था, मतलब छः सात कबूतर छः या सात के आसपास पकड़ लिए हमने भी उनके साथ भाई के, और उन्होंने भी शायद ऐसी तीन या चार के आसपास पकड़ लिए। अपना एक कबूतर गिर गया भाई वहाँ पे गलती से, अब वो गलती मैं बताऊँगा तो वो मानेंगे नहीं, तो इस वजह अच्छा बोलो ही मत छोड़ो भाई क्या फ़ायदा बता के। लो भाई एक कबूतर ये है तो इसको देते हैं छोड़, कबूतर भाई ये भूखे हैं ये ना निकल जाए, बस ये निकल गए ना भाई दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी, खड़े होके निकालूंगा क्योंकि आ जा ये भी कबूतरी बढ़िया है भाई। लो एक इसे निकाल देते हैं, एक ही है भाई और एक ही है, चार कबूतर है ठीक है भाई, चारों को मैंने दिया है खोल, इनको तो दाना मिलेगा नहीं इन्हीं को मिलेगा। लो भाई मैंने कबूतरों को दिया है बाहर खोल और मस्त घूम रहे हैं और अपने बच्चे भी बाहर आने लग गए हैं, ये देखो एक ये पट्टा है और एक वो ललसरा सा पट्टा जो निकल के आया एक वो है और एक और होगा भाई इसी में नीलदुमा सा पट्टा, वो पता नहीं देखो वो बैठा गेट पे बिल्कुल, तो थोड़े थोड़े तो बड़े हो चुके हैं बाहर आने लायक, तो ये खुद ही बाहर आ जाते हैं मैं निकालता नहीं हूँ भाई इनको बाहर, अपने आप ही आ जाते हैं। और भाई एक आज एक और दिक्कत बताने वाला हूँ अपने बेबीज में जो कि आपको चलो दिखाता हूँ, मैं पहले आपको दिखा के ही बता देता हूँ उससे अच्छा। और भाई इसके ऊपर खोल दिया मस्त अपना भटकता रहता है अंडे धरवाने वाला भाई ये दोबारा, इसलिए अपनी कबूतरी के पीछे पड़ गया है इस बार ना भाई, इसी के बच्चे लेंगे, इस पिछली बार तो पता नहीं भाई किसका अंडा है और ये बच्चा किसका निकला है पता नहीं मुझे, तो इस बार भाई हम इसी के बच्चे लेंगे। भाई देखो ये नीलदुमा पट्टा निकला है एक, बाकी छोड़ो इसे तो देखो भाई एक ये दो हरे पट्टे ये तो बाहर निकलते नहीं, आपको इस वाले में दिखाना है मुझे कुछ जो कि भाई आपको ये दिखाता हूँ, एक ये बच्चा निकला है हमारा ठीक है भाई, ये देखो ये बिल्कुल अपने बाप पे गया है, ये जो हमारा वो क्या नाम है उसका कबूतर का नाम भूल गया मैं, वो छोटी दारनी भाई क्या नाम है उसका जो खरीद के लेके आए थे हम वहां से बाजार में से, क्या नाम था उसका जो भी नाम हो वो दिख भी नहीं रहा जी मैं आपको दिखाऊं पता नहीं कहाँ है ऊपर ऊपर सर बैठ गया, तो ये उसका बच्चा निकला है ठीक है भाई, तो और ये ना भाई बहुत बड़ा बच्चा हो चुका है और इसका एक भाई है छोटा सा एकदम तन्नक्सा, ये देखो ये कितना छोटा रह गया और वो कितना बड़ा रह गया, तो इसलिए भाई मैं ना बच्चे निकलवाता नहीं हूँ दो, क्योंकि भाई एक बच्चा देखो कितना छोटा रह गया एक बच्चा देखो कितना ही बड़ा हो चुका है ये देख रहे हो मतलब, तो यही दिक्कत हो गई भाई अब ये बड़ा होगा कि नहीं होगा अब पता नहीं भाई क्या सीन है, बट इसको हम बचाएंगे खुद बड़ा करेंगे, एक बच्चा तो ये हैगा ये तो बहुत बड़ा हो गया ये 10-15 दिन में ये भी बाहर आने लगी जाएगा। इसका बापू दिखाता हूँ मैं भाई आपको, बापू दिख नहीं रहा मुझे भी देखो ये रहा भाई, इसको पता नहीं क्या बोलते थे नाम भूल गया यार इनका, मैं छत पे नहीं आ रहा ना तो नाम हम सब भूल गया इनका मैं कबूतरों का, ये वाला भाई जो कबूतर है ना ये कावरा, हाँ भाई कावरा अपना जो कावरा कबूतर है ना इससे जोड़ा था भाई इस कबूतरी से भूरी का, तो इन्हीं का बच्चा है बिल्कुल सेम टू सेम इसी पे गया है वो, बस छोटी नहीं है उसकी बाकी तो सेम ही है भाई, देखो नए कबूतर छत पे खोल दिया ना तो फुल गुटक रहे हैं भाई देख देख के, चलो इनको दाना भी देना है मुझे अभी, और भाई दिवाली भी नज़दीक आ गई है तो बंदे हम फोड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा इसलिए कबूतर भी डर रहे हैं और उड़ रहे हैं बार बार। बाकी भाई मुझे इस कबूतरी पे बड़ी दया आ रही है आज, ये सफ़ेद वाली जो बैठी है ना इस पे देख रहे कैसी हो गई सुस्ती बेचारी, इसकी हालत बहुत बुरी कर दी है, खून का भी दाग था भाई इसके शरीर पे एक आधा जब मैं आया था, बट मैंने तुरंत किया भाई पहले इसके लिए दवाई लेकर आया क्योंकि मैं नहीं चाहता था भाई इसको कुछ भी हो। गाइस इनको दाना दे देते क्योंकि इनको बच्चों को भी खिलाना होता है और मम्मी ने कुछ दिया था ये पता नहीं क्या है, एक बार कमेंट करके बताना ये है क्या, मेरे साथ ज्वार है ये पता नहीं, बाकी तो देखा मम्मी ने कहा कि कबूतर खा लेते हैं बड़े मजे से खाते भी हैं भाई, तो मैं इसलिए इनको लो भाई बच्चा बैठ गया ऊपर ये देख रहे हो फर्स्ट टाइम बच्चा बैठा आज, भाई कूदने उदने का इरादा है क्या तेरा, इधर आ जा आओ आओ, तो भाई ये निकलना चाहता है गेट बंद है आ, अब उतरेगा बच्चा उतरेगा, ये भाई साहब फर्स्ट टाइम ऊपर बैठा था उतर गया फाइनली। चलो भाई इनको लेना नीचे से भी दाना ले आते हैं गेहूँ बाजरा जो भी है वो दोनों मिक्स करके ऊपर ले आते हैं, तो वैसे मैं दाना भी ले आया इनके लिए और ये खा भी गए देखो भाई सारा कितनी जल्दी दाना देते हैं भर के अपना खाते रहेंगे जितना खाना होगा, वैसे तो ये सारा खाई जाते हैं दोबारा भी देना ही पड़ेगा, देख लो कितना सारा दिया है फिर भी मुझे और देना पड़ेगा क्योंकि बेबीज को खिला देते हैं ना ये सारा इस वजह से, और देखो वाला बेबी खाना भी सीख गया भाई फुल, वो ही बड़ा जल्दी जल्दी खाता है भगवान की दुआ से और वो भी सीख रहा है अभी, बाकी धीरे धीरे ऐसे सीख जाएंगे मस्त, तो अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे तो ये खुद खाने लगेंगे और जल्दी हेल्थ होगी इनकी और बड़े भी हो जाएंगे फाइनली। गाइस इन्होंने भाई दाना वाना मस्त खा लिया अपने बच्चे को भी खिला दिया सभी ने, एक आधा रह रहा होगा तो कुछ कह नहीं सकते बट बाकी तो सबने खिला ही दिया क्योंकि देखो दाना कितना सारा पड़ा भी और इन्होंने छोड़ दिया है वैसे ही।
इसको पता नहीं क्या दिक्कत है, चढ़ ही नहीं पाता ऊपर। ले मारते रहते सब इस बेचारे को। बाकी बताना गाइस वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। आप कोशिश करूँगा गाइस कि मैं वीडियो रेगुलर बनाना स्टार्ट कर दूँ पहले की तरह। बाकी सपोर्ट दिखाना, प्यार दिखाना पहले की तरह। दोबारा भाई आपका आने वाला है, ठीक है भाई। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी कमेंट में बताना भाई अपने सैदी भाई के सारे कबूतर कैसे हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।